Singer and composer Adnan Sami mesmerized the beautiful Kashmir Valley with his enchanting voice. Adnan Sami's Rhythm in Paradise concert took place at the beautiful lawns of the Sher-e-Kashmir International Convention Center in front of a huge audience. As his voice echoed through the picturesque hills, attendees held their breath and waved to his tunes. The singer concluded his concert with his popular number Lift Karade, after which fans left the beautiful venue with a smile on their face, hoping that such concerts will boost tourism in the valley. जैसे आपको पता है कि वादी कश्मीर एक नेचुरल प्लेटफॉर्म है ऐसे इवेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम्स के लिए और ये जो अदनान सामी का यहाँ होना ऐसे ऐसे बिग आर्टिस्ट का यहाँ होना ये तो बजाती हुई ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा कदम है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कश्मीर की खूबसूरती कितनी है अभी है और लोगों का प्यार जो अदनान सामी एक एम्बेसडर है एक आइकन है थ्रू आउट वर्ल्ड तो इनका इनका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो जाएगा बाहर थ्रू आउट वर्ल्ड पर्टिकुलरली सब कंटिनेंट में या एशिया में जो इसके मदा है थ्रू आउट वर्ल्ड फैले हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा कदम है जेके टूरिज्म की तरफ से ताकि कश्मीर फिर एक एस्टैब्लिश हो जाए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन द कंट्री मैंने काफी एंजॉय किया इसमें और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए मतलब कश्मीर में क्योंकि टूरिज्म में इससे और डेवलपमेंट होती है और काफी लोग साथ आ जाते हैं इसमें तो काफी सारा एक साथ लोग आ जाते हैं पूरे विदाउट एनी बाउंड्री और वो सब तो अच्छे से टूरिज्म भी इससे बढ़ जाता है कश्मीर का क्योंकि आप देख सकते हैं काफी टूरिस्ट भी आए हैं तो काफी ज्यादा ये हो गया है और काफी एंटरटेनमेंट भी होता है लोगों का तो अच्छा ही है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जब लोग देखेंगे तो देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो गई हैं चीजें इतनी नॉर्मली चीजें होने लगी हैं यहाँ पर तो काफी लोगों को लगता है कि यहाँ पे हालात खराब हैं कुछ भी लोग घर से नहीं निकलते तो ये देखकर लोगों को एक मैसेज मिलेगा कि कश्मीर में हालात स्टेबलाइज हो रहे हैं जी जी बिल्कुल होने चाहिए इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स काफी सारे होने चाहिए क्योंकि इससे काफी कश्मीर की डेवलपमेंट में हेल्प हो जाती है काफी अच्छा है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है लाइक इट गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल टू द आउटसाइडर्स जो बाहर इंडिया में है जो टूरिज्म यहाँ पे इसका फ्लो नहीं किया है तो डेफिनेटली इट विल गिव अ पॉजिटिव मैसेज फॉर टूरिस्ट सो उनका इनफ्लो बढ़ जाएगा अगर ऐसे शोज होंगे तो डेफिनेटली इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द होल वैली टूरिज्म के लिए काफी अच्छा है ये चीज Sami, who performed in Srinagar for the first time, had earlier said that his music gig is aimed to promote tourism and feels it is beginning of many such concerts. He added, "Music has always played an integral part in maintaining relations."